दिया है उसमें स्टेप बाय 7 स्टेप बनाया है, तो एक ही स्टूडेंट को एक जगह रिजल्ट होना चाहिए था, एक पद पर रिजल्ट होना चाहिए था, एक ही स्टूडेंट को 7, किसी को 7 में, किसी को 3 में, किसी को 2 में, कोई को पूरा में, कोई को पूरा चरण में दे दिया, किसी को टोटल चरण में दे दिया गया है। पहला मांग ये है कि इसको रिजल्ट को वापस ले करके सुधार करे सरकार RRB। दूसरा मांग है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो पहले निकला था उसके आधार पर छात्र नौजवान फार्म भरा और एग्जाम के 15 दिन पहले कहा किया कि नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि पहला था नोटिफिकेशन उसमें एक दौड़ एक एग्जाम था और नया नोटिफिकेशन ग्रुप डी में निकाला है कि उसमें 2 एग्जाम लेगा और दौड़ लेगा। वही जो पुराने नोटिफिकेशन ग्रुप डी में था उसको लागू करे, नया नोटिफिकेशन को वापस करे। नहीं वापस लेगा तो इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा लगातार, यानी नए नोटिस को वापस लेना होगा। जी हाँ।